हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाइटिशियन मनीषाज न्यूट्रीफिट यूट्यूब चैनल। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे एसिडिटी के बारे में। एसिडिटी जो है वो हर किसी को सता रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेली एंटासिड्स लेते हैं और जिससे हमें हमारी शरीर को कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है। तो पहले समझेंगे कि एसिडिटी होती ही क्यों है। भी कुछ हम जो भी खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए अपने शरीर में पेट में एसिड बनता है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अगर इस एसिड की क्वांटिटी जो है वो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हो गई है तो उस वजह से फिर हमें एसिडिटी होती है। एसिडिटी होती है तो सीने में जलन, पेट में दर्द, सिर दर्द होना, साथ ही में गैस तैयार होना, ऐसी तकलीफें हमें हो जाती है। एसिडिटी होती है वो हमारे यानी खुद की जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो यानी खान पान का तरीका है, जो हम कुछ गलत खा लेते हैं, उन सभी चीज़ों से हमें एसिडिटी होती है। तो एसिडिटी होने के मुख्य कुछ कारण हैं जो कि हम अभी बात करेंगे। सबसे पहला तो बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि उठने के बाद चाय की प्याली होनी चाहिए। तो दिन की शुरुआत अगर आप चाय और कॉफ़ी से करते हो तो इससे भी आपकी एसिडिटी बढ़ सकती है। या फिर आप अगर दिन भर में 8 से 10 बार चाय पीते हो तो ये दोनों कारण भी आपकी एसिडिटी के लिए मुख्य होते हैं, जिससे आपकी एसिडिटी बढ़ सकती है। अगर आपको ज़्यादा तली हुई भुनी हुई चीज़ें खाने की आदत है तो इससे भी आपकी एसिडिटी बढ़ सकती है। अगर आप ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी खाना लेते हैं तो ये भी एक कारण है जिससे आपकी एसिडिटी बढ़ सकती है। और बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो कि एक बार सवेरे खाना खा लिया कि सीधा रात में खाना खाते हैं और बीच की गैप में बहुत सारी चाय कॉफ़ी लेते हैं तो इस वजह से भी आपकी एसिडिटी बढ़ सकती है। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आदत है तो वो स्ट्रेस की वजह से भी आपकी एसिडिटी बढ़ सकती है। तो ये सभी कारण जो है, और कई सारे लोगों को पानी बहुत कम पीने की आदत रहती है तो इससे भी आपकी एसिडिटी बढ़ सकती है। तो ये कुछ कारण है जिससे आपको एसिडिटी हो सकती है। जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो उसको कम करने के लिए हम एंटासिड लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो अपनी दिन की शुरुआत जो है वो एंटासिड से करते हैं। बट एंटासिड कब तक काम आएंगे? एंटासिड आप जब तक लेते रहेंगे तब तक आपकी एसिडिटी कम होती रहेगी, और जब आप बंद करोगे तो कंडीशन जैसी है वैसे ही बनी रहेगी। और ये एसिडिटी जो है जो यानी छोटी लगती है बट जब एक समस्या बन जाती है पता ही नहीं चलता, और फिर अगर इसने बड़ा रूप ले लिया तो अल्सर, IBS और कब कैंसर में ये कन्वर्ट हो जाती है एसिडिटी तो पता ही नहीं चलता है। तो ये जो एसिडिटी है उसको अगर आपको कम करना है तो आपको आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने पड़ेंगे। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो वज़न कम करना चाहिए, आपको डेली वॉकिंग का रूटीन रखना चाहिए, आपका वाटर इंटेक सही होना चाहिए, डेली आप ने एक्सरसाइज करते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हो तो इससे भी आपकी एसिडिटी कम हो सकती है। खाने के बाद आप अजवाइन ले सकते हैं जिससे कि आपकी एसिडिटी कंट्रोल हो सकती है। साथ ही में अगर आप ज्येष्ठ मत जो है तो वो भी अगर आप खाने के बाद सवेरे और शाम एक छोटी सी लकड़ी को चबा कर खाते हैं तो इससे भी आपकी एसिडिटी कम हो सकती है। लौंग को चबाने से भी आपकी एसिडिटी जो है वो कंट्रोल में रहती है। और जीरे का पानी अगर आप पीते हैं तो इससे भी आपकी एसिडिटी कम हो सकती है। तो ये रहे कुछ घरेलू नुस्खे जिससे आप आपकी एसिडिटी कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही में ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और ज़्यादा तली हुई चीज़ें, ज़्यादा ऑयली स्पाइसी चीज़ें अवॉइड करें जिससे कि आपको ज़्यादा एसिडिटी ना हो। तो मैंने जो भी बातें बताई है इन बातों पर ज़रूर गौर करें। इनको फॉलो करने के बाद आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।